चमको, ये नानी के लेटर है, क्या लिखा है इसमें? यही कि नानी ने मन्नत मांगी थी कि जब हार मिल जाएगा तो वो चार धाम के यात्रा पे चली जाएंगे, तो वो चली गई यात्रा पर और तुम दोनों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दिया है नानी ने। लो, अब इतनी प्यारी नानी की जगह तुम हार की चिंता कर रही थी, क्या यार। हाँ, मतलब जायज है ना, पिछले बार भी इसी हार के वजह से तो नानी किडनैप हो गई थी, तो टेंशन तो होगा ही। एक काम कर दो, ये हार लौटा दो कमिश्नर मामू को, वो संभाल लेंगे। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन चमको एक बात समझ में नहीं आई, अगर नानी को चार धाम की यात्रा करने जाना ही था तो वो दरवाजे के रास्ते से क्यों नहीं गई, खिड़की से रस्सी के सहारे भाग कर क्यों गई? क्या यार आदि, तू अपने आप को इंटेलिजेंट कहता है, इतनी सी बात रे समझ में नहीं आई। चमकू हमारे घर में आती है, कभी भी दरवाजे से आती है, खिड़की से आती है ना, तो नानी भी खिड़की से आती है, खिड़की से जाती है, खानदानी प्रॉब्लम है यार इनकी, कम ऑन यार, क्यों चमकू करे? हाँ, 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 और नहीं तो क्या गुल्ले जी, बिल्कुल सही दिमाग लगाया आपने। अरे जाइए ना, नेपाल की गवर्नमेंट को ये हार तो लौटा दीजिए, जाइए। मैं लौटाता हूँ, लौटा देते हैं। अच्छा, अरे ये रही गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू पार्टनर। ओए, इसमें कॉफी का है? अरे मैंने कहा ये रही गर्म गर्म कॉफी, वो नहीं रही, उसमें कुछ नहीं है, ये रही, यहाँ है। फनी। वैसे करेक्ट है यार, नानी को घर मेल आया था ना, इसलिए नानी मुझे इतना ज्यादा पसंद करती थी। ओ, नानी ना नानी, वो तुझे खास भी नहीं डालती थी। तो करेक्ट है, खास नहीं डालती थी, क्योंकि मैं शेर हूं, शेर खास नहीं खाता। तुझे खास डालती थी क्योंकि तू गधा है। मैं गधा हूं? ले यार, तूने तो अपने मुंह से कह दिया मैं गधा हूं, अब मैं क्या करूं यार। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो तू ना नानी को ढूंढ पाया और ना हार को। ओ, ऐसा है, अगर मैं नहीं होता ना तो नानी के हार के चक्कर में तेरे फोटो पे हार चढ़ा होता। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं उन लोगों को अकेले संभाल सकता था, वैसे ही जैसे शादी के बाद मैं चमकू को संभालूंगा। सपने देखना अच्छी बात होती है, हर किसी को सपने देखने चाहिए, लेकिन पूरे कुछ लोगों के होते हैं, इसलिए तू चमकू के साथ सपना देखना छोड़ दे, क्योंकि चमकू को स्मार्ट और इंटेलिजेंट मेरे ऐसे लोग पसंद है। चमकू को क्यूट और हसमुख, मतलब मेरे जैसे लोग पसंद है। चमकू की डोली तो मैं ही उठाऊंगा दोस्त। करेक्ट है, डोली तो तू ही उठाएगा, क्योंकि डोली तो दुल्हन का भाई उठाता है, इसलिए डोली तू उठाएगा। लेकिन सुन, टाइम पे आ जाना, मुझे लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है। चमकू के लिए मैं बेटर। ओहो, तो अब ये दोनों पार्टनर्स मुझे लाइफ पार्टनर बनाने के लिए झगड़ रहे हैं। हम मुंबई पुलिस का कमिश्नर होने के नाते जनता को विश्वास दिलाते हैं कि हम सबकी रक्षा करेंगे। सर, रिक्शा नहीं करेंगे, आपको कहीं जाना नहीं है सर, आप सबकी रक्षा करेंगे। होएगा, लेकिन इसमें जो लिखा है ना, मैं वही पढ़ेंगा, तुमने जो बोला ना, इसमें देख के याद करो स्पीच। सर, आपको स्पीच याद हो गई? अभी कहाँ यार। सर, मीडिया वाले बाहर वेट कर रहे हैं, प्लीज आप अच्छे से एक बार स्पीच जल्दी से याद कर लीजिए सर, प्लीज। और चलिए बाहर। ये भाई अपने से नहीं होगा क्या? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तुम ही संभालो। लेकिन सर हम, लेकिन कुछ नहीं, कुछ हो जाएगा तो गलती तो मेरे ऊपर ही चल बैठेगा, तुम लोग ना अपने आएगा। सर, आप कमिश्नर की यूनिफॉर्म में है सर, सर आपके ओहदे में वजन है, तो आपकी बात में भी वजन होगा ना। अरे मेरे से ज्यादा तेरे में वजन है, करना तू जाके। सर, आप बात को समझ ही नहीं रहे, ये जो मीडिया वाले है ना, वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपसे। सर, अगर आपने आने से मना कर दिया तो मीडिया वाले आपके खिलाफ खबर छापेंगे और आपको बदनाम करेंगे, सिंपल। मेरे को भाई को बदनामी होगी ना गोगल भाई की,
और होना भी चाहिए उसको। और मेरे को फंसा गया वहां, मजे बाहर ले क्या, लगा फोन उसको। सर देखिए सर, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सर, कितनी बार मैंने कॉल करने की कोशिश की है सर को, लेकिन उनका फोन नेटवर्क में नहीं है सर, उनसे कनेक्शन नहीं हो पा रहा। और जब तक वापस नहीं आते सर, संभालना तो आपको ही होगा, आपको मैं साथ बाहर चलना ही होगा। चलिए सर। एक मिनट, क्या हुआ? नहीं आता भाई। अरे सर क्या कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं आऊंगा। खींच खींच, बिल्कुल नहीं भाई, मेरे से नहीं होगा भाई। नहीं बोलो ना भाई। सर सैकड़ों दर्शकों के सामने नौटंकी करते हैं ना आप, चार पांच मीडिया वालों से क्यों घबरा रहे हैं? अरे दर्शक है ना, ताली बजाती है, मीडिया वालों की तरह सवाल नहीं पूछती है। देखो अपने को एक्टिंग आती है, अपन एक्टिंग करेंगे, दैट्स ऑल। सर मेरे पास एक आइडिया है। आइए अपने पास रख। सुन तो लीजिए सर। सर आप बाहर जाके सिर्फ कमिश्नर होने की एक्टिंग कीजिए, मीडिया वाले जो सवाल पूछेंगे उनके जवाब हम दे देंगे। हम कैसे दे देंगे? अरे सर के अगल बगल बैठ जाएंगे, मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, हम सर के कान में जवाब दे देंगे, कुछ ऐसे। सर को जवाब मिल गया, सर ने मीडिया वालों को जवाब दे दिया, खत्म। मानव बाहर चल। अरे आइडिया अच्छा है। अरे तभी तो कह रहा हूँ बाहर चल, वो भी सर को साथ लेकर चल, आइडिया वाकई अच्छा है पप्पू। मानव ये समझ क्या कर, चल 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 चल। आइए करेंगे क्या यार, सर चलो 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 चलो, बरामद सामान के पिक्चर पिक्चर तो आप लोगों ने खींच लिए होंगे, अपने तसल्ली से बिराज जाओ, हैं मतलब बैठ जाओ और जो भी सवाल जवाब करने हैं एक एक करके सवाल पूछना चालू करो। पूछो क्या सवाल है। पहले आप ये बताइए कि कमिश्नर साहब कहाँ है? हम ये सवाल जवाब किसी बड़े अधिकारी के साथ करना चाहते हैं। ये तो गलत बात है, बड़ो अधिकारी चाहिए ना आपको। अरे तो खड़ो ना साक्षात डीआईजी आपके सामने, पूछो क्या पूछो, पहला सवाल पूछो ना। अरे नाम का डीआईजी नहीं, काम का डीआईजी बुलवाओ, समझे? लगे जाकी कुटाई तो करवानी पड़ेगी। हम बे आ गए, खुद कमिश्नर साहब आ गए। क्या कर रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं? मीडिया वाले सामने, आप पीछे कहाँ जा रहे हैं? इसीलिए तो जा रहा हूँ मैं। टेंशन मत लीजिए सर, हम आपके बगल में बैठ के सब आपको बताते रहेंगे, हो जाएगा हो जाएगा। भरोसे पे छोड़ दे, चलिए कम ऑन। डीआईजी इधर कुछ गड़बड़ लग रहा है। हमने तो आपसे पहले ही कही थी, इस पूरी चौकी में अगर सबसे ज्यादा होशियार कोई है तो वो हूँ मैं, डीआईजी। आपने हमारी बात कभी सुनी ना? बैठिए सर, बैठिए बैठिए। रुकिए, क्यों कहाँ बैठे आप? यहाँ। अरे यहाँ पे नेताजी और नेताजी का पीए यानी मैं बैठूंगा। ये नेताजी कहाँ रह गए? किसी से आप बिल्कुल घबराइए नहीं, मैं और मानव ठीक है, आप क्या होगा सामने वहां खड़े रहेंगे और वहां से आपको इशारा में बताते रहेंगे सारे सवालों के जवाब। अरे बधाई हो कमिश्नर, बधाई हो भाई, बहुत बड़ा काम किया है यार, बहुत बड़ा रेड मारा साहब ने। इस कॉन्फ्रेंस में थोड़ा मेरी भी तारीफ कर देना, मुझे पार्टी से सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है? ये सच में नेता है, अब उनका सपोर्ट हटा के अपने से सपोर्ट मांग रहा है। चलो फिर पप्पा राजी, कमिश्नर साहब भी राजी, सब राजी, पूछो क्या पूछना है। तो सर आपने रेड कब की? 2 घंटे पहले। 2 घंटे पहले? और कितने ऑफिसर्स थे? 20। 2 बार 10 मतलब 20 ऑफिसर। ये बताइए सर कि पुलिस को इस रेड को अंजाम देने में क्या क्या दिक्कतें आई? पता नहीं सर, फोड़ लिया, गुस्सा आया है मेरे को। मैंने भगवान से बोला। क्या बोला भगवान से? सर को बोल होटो पे ध्यान दे, लिप मूवमेंट पकड़े, लिप मूवमेंट, लिप मूवमेंट। सर बताइए ना क्या बोला भगवान से? भगवान से मैंने बोला
भगवान मेरे को एक पप्पी दे। What? सर, आप हमारे सवाल का सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? असल में इनको रेड के बारे में कोई खबर नहीं। अरे ये तो यहाँ बैठे बैठे नौटंकी कर रहे, पुलिस डिपार्टमेंट का नाम बदनाम कर रहे। नौटंकी कह रहे, नौटंकी, नौटंकी करने वाले इंसान नहीं होते क्या? क्या बोले, मेरे को खबर नहीं है? अरे पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को मैं खबर देता हूं। खबर रखता हूं मैं पूरे डिपार्टमेंट का। और ये खतरनाक लुंगी कांत है ना, उसके घर में जो रेट डाला है ना, वो तो सब डाला हो, छोड़ दो। सॉरी सर, आपको गुस्सा आ गया। तो सर, आपने क्या सिर्फ ये माल पकड़ा है? और क्या आप लुंगी गैंग को पकड़ पाएंगे? हम सब ने तो सुना है कि लुंगी गैंग का जो लीडर है लुंगी कांत, वो बहुत ही खतरनाक है और पुलिस भी उससे डरती है। अरे पब्लिक के लिए होगा, पब्लिक के लिए, अपने लिए नहीं। ये कैसी टपोरी भाषा में बात किया जा रहा है यार, अभी दो मिनट में पकड़े जाएंगे। ये लुंगी कांत की लुंगी में छेद करूंगा, इतने छेद करूंगा, छेद पे छेद, छेद पे छेद करूंगा। जब वो लुंगी बांधेगा ना, तो मालूम पड़ेगा लुंगी है या मच्छरदानी, समझा? अरे क्या हो रहा है ना, ये हट जाओ। ए लुंगी, देख रहा है मेरे को? ए लुंगी कान, देख मेरे को इधर, मैं बोल रहा हूँ। अबे साले, तेरे टुकड़े बाद में करूंगा, तेरे लुंगी के ना इतने टुकड़े करूंगा, छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, तेरे तेरे मोहल्ले में साला पटाखे बना के लटकाऊंगा, समझा? याद रखना, ये छिचोरापन मेरे घर करना, चीर डालूंगा तेरे को। माइंड इट, माइंड इट। तालियां तालियां भाई। अरे कमिश्नर साहब, आप तो छा गए भाई, छा गए, वाह वाह, तालियां। अन्ना प्लीज हमको छोड़ दो, मैं जुबान देता है आपका पैसा जल्दी वापस कर देगा। हम लुंगी उठाते दुनिया ट्रबल में आती, तुम मेरे को प्रॉमिस किया था बोल के, अन्ना 3 महीने का अंदर मैं आपका पैसा वापस करेगा विद इंटरेस्ट। अन्ना पैसा ज्यादा है, थोड़ा और टाइम देना होगा। नहीं नहीं नहीं, अन्ना को चुनना लगने का नहीं, तू तेरा बात से पलटी मारा बोल के मैं तेरा आवाज बंद करेगा। इसको अंदर लेके जाने का और इसका जबान काट देने का। तोड़ा गला का पास से। ओके, चल। अरे चल, कुछ नहीं, चल, इसका अभी काट डालने का, इसको चल। टेंशन लाइफ का अंदर बहुत टेंशन, फूड फ्रेश करने का म्यूजिक। म्यूजिक क्या कमांड किया रहे? जीजा जी, आपकी लुंगी उतरने वाली है। ए, इसे क्या बोल रही है? क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? ए, मैं लुंगी उठाती, डिस्को दिखाती, किस में दम मेरा लुंगी उतारती। देखिए, मैं अभी बताता हूँ, अब पता चलेगा किस में है कितना दम। ये देखिए, ये लुंगी कान की लुंगी में छेद करूंगा, इतने छेद करूंगा, छेद पे छेद, छेद पे छेद करूंगा। जब वो लुंगी बांधेगा ना, तो मालूम पड़ेगा लुंगी है या मच्छरदानी। ये लुंगी कान, देख मेरे को इधर, मैं बोल रहा हूँ। याद रखना, ये छिचोरापन मेरे घर करना, चीर डालूंगा तेरे को। माइंड इट, माइंड इट। ये कमिश्नर का फोर्ट पे मैं हार चढ़ेगा। अरे केरल में, अपने केरल में सबसे बड़ा पुतला लगाने का बोल के ये आदमी मेरे इज्जत का एकदम नारियल पानी कर दिया। अभी मैं लुंगी उठा के उसके अंदर इसको दबा के ऐसा बजती। अभी सोच नहीं, लेकिन जब भी मैं लुंगी उठाती, कुछ सोच के उठाती,
अभी देख ने कहा एक चाकू से तीन नारियल कैसे कटते ढल के। ये तो गलत बात है गई सर, एक ही दिन में हीरो बन गए आप तो, और हर पेपर के फ्रंट पेज पे फोटो छप रही है आपकी। अच्छा हाँ, ये देखो, दबंग पुलिस कमिश्नर का मुजरिमों को खुला चैलेंज, क्रिमिनल में कमिश्नर के नाम से फैला खौफ, और सुनो मुजरिमों की होगी छुट्टी, कमिश्नर पिलाएगा उन्हें कानून की घुट्टी, आज आप मारे जा सकते हैं कुत्ते की मौत। ए, क्या बोल रहे बे? ना 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 सर, सर ये हम ना कह रहे, ये तो आपको ये राशिफल कह रहा है, नीचे लिखो तो। हट, राशिफल क्या सच हो जाएगा? पर आपने काम तो राशिफल को सच करने वालों ही किया है ना सर, इतनी बड़ी धमकी दे दी लुंगी कांत को, और जहां तक मैं लुंगी कांत को जानू वही राशिफल सच करके मानेगा। देख, 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 वो क्रिमिनल है और मैं एक पुलिस कमिश्नर हूँ, मैं डरता वरता नहीं हूँ। हाँ, डरता वरता बिल्कुल नहीं हूँ मैं, मैं जब निकलता हूँ ना तो मेरे साथ पुलिस फोर्स होती है। लेकिन पुलिस फोर्स आपके साथ में हर समय तो ना रह रहे ना सर। अब देखो, आप हेडक्वार्टर आते हो अकेले, हेडक्वार्टर से जाते हो अकेले, बाजार सामान खरीदने जाते हो अकेले, बाथरूम में नहाने जाते हो अकेले, नहा धो के वापस आते हो अकेले, और इसी बीच अगर लुंगी कांत ने आपको धर दबोचा तो सर, पिछले महीना एक पुलिस ऑफिसर ने लुंगी कांत को क्राइम करते हुए देख लिया था, तो वह लुंगी कांत ने वाकई दोनों कान काट करके अंधो कर डालो। क्या बोल रहे बे? अरे कान काटने से अंधा कैसा होता रे? सर वाकू ये मोटे मोटे बड़े बड़े नंबर के चश्मा आते, अब जब वाकई कान काट डाले तो चश्मा कहाँ लगाएगा, है गो ना अंधो। और आपने तो बातें भी बड़ी बात कर दी है सर, खुली धमकी दे दी है लुंगी कांत को, पता नहीं आपको तो खाका काटेगा। प्याज की तरह ना छोटे छोटे टुकड़े काट देगा वो, छौके में डालते ना बिल्कुल वैसे, पूछे क्यों? इसमें पूछने वाली क्या बात है? उस लुंगी कांत के बारे में टीवी के ऊपर बड़ी बड़ी बातें तो छौंक दी आपने। अरे मैं क्या करता, रिपोर्टर मेरा मजाक उड़ा रहे थे और मैं भावनाओं में बह गया। हाँ तो अब बहुत जल्दी आपकी अस्थियां बहेंगी गंगा मैया में। अरे क्या करूँ यार, मैं कमिश्नर हूँ, कुछ तो जवाब देना पड़ता था ना मेरे को। ये तो गलत बात है गई सर, अब ऐसे जवाब को भी का फायदा, जामे आपके बचने को सवाल ही पैदा ना होवे। लुंगी कांत बहुत कुत्ती चीज है सर। तुम क्यों मामू को डरा रहे हो? नहीं नहीं वैसे ये मेरा काम है ना, मैं करूंगी, तुम जाओ अपना काम करो। चमको अब मैं क्या करूं? आंखें खुली रखी है अपनी, वो लुंगी कांत पता नहीं कब क्या कर दे। गुल्ली जी बहुत अच्छा नाच लेते हैं आप तो। बस ऊपर वाले का करम है, कभी घमंड नहीं किया। नाश्ता किया? रोज किया लेकिन आज नहीं किया। अच्छा बहुत अच्छा किया, क्योंकि मैं आप दोनों के लिए नाश्ता लेकर आई हूँ। कोड़े सिंह जी कहाँ पर है, बुलाइए उन्हें, नाश्ता कर लेते हैं। वो तो शायद मॉर्निंग वॉक के लिए गया है, लेकिन हम चल के कर लेते ना, ठंडा हो जाएगा नाश्ता। कोड़े सिंह जी मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं जा सकते, पूछे क्यों? क्यों? अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, स्पोर्ट्स शूज इधर ही है, उसके बिना कैसे जाएंगे? लेकिन वो अक्सर अपनी अकल और बाकी सारी चीजें यहाँ पे छोड़ के निकल जाता है। दिमाग छोड़ के मजाक करो ड्यूटी पे निकल गया होगा सर्विस गन के बिना। वो क्या लेकर जाता है, क्या नहीं लेकर जाता, क्या लेके आओगे, क्या लेके जाओगे, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से, छोड़ो ना। वैसे भी वो वापस आ जाएगा, कोई बच्चा थोड़ी ना है, पुलिस ऑफिसर है। सिर्फ पुलिस ऑफिसर नहीं है वो, एक बहुत ही हैंडसम और नौजवान पुलिस ऑफिसर। बिल्कुल खट्टे मीठे पानी पूरी की तरह। हाँ पर इतना कोई हैंडसम है तो उसकी चिंता तो होगी ना, अगर किसी लड़कियों का झुंड उन्हें उठाकर ले गया तो। वो इतना हैंडसम लगता है वो? बहुत ज्यादा हैंडसम, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। सच? हमारी तो बात ही अलग है। वो तो इसीलिए कई बार ना लड़कियां यूं पलट पलट के मुझे देखती है, एक बार में पूरा देख नहीं पाती ना। नाश्ता ठंडा हो रहा है, कर ले चलिए। कभी कभी ये चमकू मेरे समझ में नहीं आती, लेकिन आज एक बात तो समझ में आ गई कि आदि के हिस्से का नाश्ता आज मैं कर सकता हूं।
काम करो। गुड मॉर्निंग क्या मॉर्निंग गुड। जय हिंद सर। अरे जय बोस, किधर है? जी सर, कह रहा हूँ आदि किधर है? आदि सर का पता नहीं है सर, वो तो सवेरे से हेडक्वार्टर में दिखे ही नहीं है। वो हेडक्वार्टर भी नहीं आया, घर पे भी नहीं है, तो कहाँ चला गया? हेलो हेलो भाई, लुंगी उठाते तेरे को डिस्को दिखाते। नहीं ऐसा डिस्को मुझे नहीं देखना है। तेरा दोस्त आदि मेरा पास है। क्या फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।